आज का यह प्रवचन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि संसार के जटिल प्रश्नों में से एक प्रश्न है जिसे हम सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और यह प्रश्न हजारों हजारों वर्षों से भारतीय ऋषियों, महर्षियों, योगियों, तपस्वियों, साधुओं, सन्यासियों और वैज्ञानिकों का मस्तिष्क मंथन करता रहा है कि मृत्यु क्या है और अमृत्यु क्या है, क्या मृत्यु से परे भी कोई चीज है, क्या मृत्यु अवश्यंभावी है, क्या मृत्यु को हम टाल सकते हैं, और क्या कोई युक्ति, कोई साधना, क्या कोई स्थिति, कोई तरकीब है जिसकी वजह से हम मृत्यु और मां अमृतम गमय उस उपनिषद की इस पंक्ति को सही कर सके, चरितार्थ कर सके। उपनिषद ने तो दो टूक शब्दों में इस पंक्ति को स्पष्ट किया है कि मृत्यु और मां अमृतम गमय। मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर हो, उसका गमन, उसका रास्ता, उसका पथ अमृत्यु की ओर हो। इसका मतलब यह है कि उपनिषद भी इस बात को स्वीकार करता है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है ही। तभी उसने कहा कि मृत्यु से अमृत्यु की ओर तुम्हें अग्रसर होना है, क्योंकि यह मृत्यु तुम्हारे जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तुम चाहो या नहीं चाहो, इस मृत्यु का एक न एक बार तो तुम्हें साथ देना ही पड़ेगा। परंतु यदि ऋषि ने, उपनिषदकार ने इस पंक्ति के आधे हिस्से में मृत्यु शब्द का प्रयोग किया है, तो आधे हिस्से में इस बात का भी प्रयोग किया है कि कोई ऐसी स्थिति तो जरूर है जिससे कि हम अमृत्यु की ओर अग्रसर हो सके। कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां हम अमृत्यु पर बढ़ सके, हमारी मृत्यु नहीं हो, हम पूर्ण रूप से अमर हो सके, जीवित रह सके, लंबे वर्षों तक जिंदा रह सके, स्वस्थ रह सके। दोनों स्थितियां हमारे सामने एक पेचीदा प्रश्न लिए हुए खड़ी रहती हैं, और इस मृत्यु के लिए भारतीय दर्शन, योग, मीमांसा, शास्त्र, पुराण, वेद, इन लोगों ने तो मंथन चिंतन किया ही है। वैज्ञानिकों ने भी अपने तरीके से इस पर चिंतन और विचार किया है कि मनुष्य वृद्ध क्यों होता है, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त क्यों होता है, ऐसी क्या चीज है मनुष्य के शरीर में जिसके बने रहने से वह जीवित रहता है और जिसके चले जाने से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मृत्यु और अमृत्यु के बीच में शरीर में कोई गुणात्मक अंतर तो नहीं आता। एक सेकंड पहले जो जीवित था उसके हाथ, पांव, आंख, नाक, कान सही सलामत थे, और एक सेकंड के बाद वह अमृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसमें भी हाथ, पांव, नाक, कान उसके सही सलामत होते हैं। प्रश्न उठता है कि योग यह बात कहती है कि जब हृदय का धड़कना बंद हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है, परंतु ऐसे कई योगी हैं जो कई के घंटों तक अपने हृदय के धड़कन को रोक देते हैं, और 4-6 घंटे हृदय की धड़कन, हृदय का स्फुरण होता ही नहीं, तो क्या वे मृत्यु को प्राप्त हो गए? इसलिए यह परिभाषा तो मान्य नहीं हो सकती कि हृदय की धड़कन बंद होने से आदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हृदय की धड़कन तो कई कारणों से बंद हो सकती है जो हमारे यंत्रों के माध्यम से सुनाई नहीं देती। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मृत्यु यदि हो जाती है तब तो वापस पुनर्जन्म स्वाभाविक है। हमारे शास्त्र इस बात को दो टूक शब्दों में कहते हैं कि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होती ही है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, मनुष्य हो, चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे, दिन रात जो उत्पन्न होगा वह युवा भी होगा, वह वृद्ध भी होगा, मृत्यु को भी प्राप्त होगा। क्योंकि
मृत्यु की भित्ति पर ही, मृत्यु की नीम पर भी वापस नए का जन्म होता है। यदि मृत्यु हो ही नहीं तो ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र अपने आप में कितना दुखी, परेशान, संतप्त हो जाएगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। कल्पना की जा सकती है कि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों वृद्ध चारों तरफ घूमते हुए नजर आएंगे, बीमार नजर आएंगे, सिसकते हुए दुखी परेशान पीड़ित नजर आएंगे, कफ और थूक और खांसी से दुखी और संतप्त नजर आएंगे, और नई पीढ़ी के लिए पृथ्वी पर खड़ा होने की और खड़े होने की कोई जगह नहीं रहेगी। कहां खड़े होंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से स्थिति बनेगी? यदि सारे व्यक्ति जीवित ही रहेंगे तब तो यह पूरा राष्ट्र और पूरा देश और पूरा विश्व अपने आप में अशक्त, वृद्ध, कमजोर और दुर्बल सा दिखाई देने लग जाएगा। उसमें कोई नवीनता नहीं होगी, कुछ हलचल नहीं होगी, कोई तूफान नहीं होगा, कोई जोश नहीं होगा, नवजवानी नहीं होगी, यौवन नहीं होगा, स्फुरण नहीं होगा, यह सब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उन जवानों को पैदा होने के लिए, उन बालकों को पैदा होकर खड़े होने के लिए जगह की कमी रह जाएगी। कहां से इतनी वनस्पति आएगी, कहां से इतना खाद्य पदार्थ आएगा, कहां से उनको जीवित रखने की क्रिया संपन्न हो पाएगी, कहां से इतनी धूप, पानी, भोजन की व्यवस्था हो पाएगी? इसलिए मृत्यु की दीवार पर एक अमरता का पौधा रोपा जा सकता है, मृत्यु की भित्ति पर जन्म का एक स्मरण होता है। यह प्रश्न एक अलग है कि क्या मृत्यु के बाद भी हमारा सत्व रहता है या नहीं रहता है, या मृत्यु के परे क्या चीज है, यह एक विषय, अलग विषय है। क्योंकि यदि मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है तो फिर जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है। दोनों स्थितियों में हम लाचार हैं, बेबस हैं। हम किस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे यह हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी साधना, कोई सिद्धि, कोई विज्ञान नहीं है जिसके माध्यम से हम दो टूक शब्दों में कह सकेंगे हम इतने दिन तक जीवित रहेंगे ही, मृत्यु हमें स्पर्श नहीं कर सकेगी। हाँ, यह अलग बात है कि कुछ विशिष्ट साधनाएं, अद्वितीय साधनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से इच्छा मृत्यु को प्राप्त की जा सकती है, जितने समय तक जाए जीवित रहा जा सकता है, परंतु वह तो एक रेयर है, वह तो एक विशिष्टता है। इसलिए मैंने कहा कि मृत्यु पर हमारा बस नहीं है, मृत्यु पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और इन मृत्यु पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, राम और कृष्ण का भी कोई अधिकार नहीं रहा, उनको भी मृत्यु को स्पर्श करना ही पड़ा। इसलिए इस पृथ्वी पर दुष्ट
व्यक्तियों का जन्म ज्यादा होने लगा है, क्योंकि उन सरल और निष्प्रभ ऋषितुल्य योगियों, विचारकों, विद्वानों और कपट रहित प्राणियों का जन्म होना कठिन सा होने लगा है। तो मैंने कहा कि यह तो हमारे बस में नहीं है, मृत्यु हमारे बस में नहीं है तो जन्म भी हमारे बस में नहीं है। परंतु जो उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करते हैं, जो मृत्योर्मा अमृतम गमय साधना को संपन्न कर लेते हैं, उनके हाथ में होता है कि वह किस क्षण मृत्यु को प्राप्त हो, कहां मृत्यु को प्राप्त हो, किस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो और किस तरीके से मृत्यु को वर्ण करें। क्योंकि मृत्यु तो जीवन का संघार है, मृत्यु भय नहीं है, मृत्यु किसी प्रकार से कष्टदायक नहीं है, मृत्यु तो एक चिर निद्रा है, जिस प्रकार से हम रोज रात को सोते हैं और जिसमें नींद में और नींद के आगोश में होते हैं, उसमें हमें कोई होश नहीं रहता, हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई चेतना नहीं रहती कि हम कहां हैं, किस प्रकार से हैं, हमारे कपड़ों का हमें ध्यान नहीं रहता, हम नंगे हैं या सही हैं इसका भी हमें ज्ञान नहीं रहता, और यदि हम नींद में होते हैं कोई एक दुष्ट व्यक्ति चाकू लेकर के हमारे सिरहाने खड़ा हो जाता है और खंजर भोंक देता है, तब भी हमें होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता कि कोई हमें मारने के लिए उद्यत हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हम नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं, निद्रा अपने आप ही मृत्यु है और नित्य वापस सुबह जन्म लेते हैं, नित्य रात्रि को मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु का मतलब है अपने आप में एक भूल जाने की क्रिया, अपने अस्तित्व की भूल जाने की क्रिया, अपने प्राणों को भूल जाने की क्रिया, अपनी चैतन्यता को भूल जाने की क्रिया। मगर यह भूल जाने की क्रिया कुछ घंटों की होती है, इसलिए इसको नींद कहते हैं, और वह भूल जाने की क्रिया काफी लंबे अरसे तक की होती है, इसलिए उसको मृत्यु कहते हैं। इसे निद्रा में मृत्यु में कोई विशेष अंतर नहीं है, और इसीलिए मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट कहा है, या देवी ईश्वर भूतेषु निद्रा रूपेण स्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। क्योंकि निद्रा भी अपने आप में मृत्यु का एक पूर्वाभ्यास है। मैंने जैसा बताया कि कुछ विशिष्ट साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम इस मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करना एक अलग चीज है, नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब है कि हम जहां चाहे जिस उम्र में चाहे मृत्यु को वर्ण करें। यदि हम चाहें 100 साल की आयु प्राप्त करें तो निश्चित ही 100 साल की आयु प्राप्त कर सकते हैं, 120 साल, 130 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल की आयु भी प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। यदि उन साधनाओं का हम सहारा दें, उन साधनाओं के माध्यम से हम जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर हों, और जिस प्रकार से मृत्यु हमारे साधना के माध्यम से आत्म रहती है, हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के बाद में भी ये हमारे पास हमारा अस्तित्व हमारी चेतनता बनी रहती है कि हम इस ब्रह्मांड में कहां पर हैं, प्राणियों के किस लोक में हैं, देवलोक में है, पितृलोक में है, राक्षस लोक में है, गंधर्व लोक में है, किस लोक में है, और इन सारे लोकों में हम एक सूक्ष्म अंगूठे के आकार के प्राणी के रूप में बने रहते हैं। इसलिए प्राणियों को उष्ठा प्राप्ति कहा गया है, यानी ये पूरा शरीर एक अंगूठे के आकार का बन जाता है, और ऐसे अंगूठे के आकार के प्राणी जीवात्मा करोड़ों करोड़ों इस आत्मंडल में भूमंडल में विचरण करती रहती है जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती, और यदि हम अपने इस मृत्यु लोक से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो करोड़ों ये आत्माएं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं बराबर भटकती रहती हैं, और उन सबका एकमात्र लक्ष्य, केवल एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि वापस जन्म लें। मगर जन्म लेना तो उसके हाथ में है नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर भी उतना ही जोर जबरदस्ती है, कोई ऐसा संकेत नहीं है, कोई ऐसी एक नियंत्रण रेखा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक के बाद एक जन्म लेता रहे, ऐसा कोई संभव नहीं है। जिसको जो स्थिति बनती है वह वैसा ही जन्म ले लेता है, ठीक उसी प्रकार से कि जहां बलवान होते हैं वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, और जो जमीन का मालिक होता है वो बेचारा टुकड़ टुकड़ ताकता रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो बलवान और ताकत और दुष्ट आत्माएं होती हैं वे ठेलम ठेल करके, जबरदस्ती करके, धक्का मुक्की करके जो गर्भ खुलता है उसमें प्रवेश कर लेते हैं, जन्म ले लेते हैं, और जो देवात्माएं होती हैं जो सीधे साधे सरल निष्प्रभ ऋषितुल्य व्यक्तित्व होते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल,
उनका जन्म होना थोड़ा कठिन होने लगा है, इसलिए इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं ज्यादा जन्म लेने लगी है, इसलिए इस पृथ्वी पर अधर्म ज्यादा फैला है, इसलिए इस पृथ्वी पर व्यभिचार ज्यादा फैला है, इस पृथ्वी पर झूठ और कपट और दुर्धर्षता ज्यादा फैली है, इसलिए फैली है कि उन आत्माओं का जन्म ज्यादा होने लगा है। क्या इस स्थिति से अपने आप को मिटा सकते हैं? यह तो अपने आप में एक बहुत पेचीदा, बहुत दुखदायक स्थिति है कि हमने अपने जीवन को एक सरल और निष्प्रभ रूप से व्यतीत किया, हमने एक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन को व्यतीत किया, और इस पूरे जीवन को व्यतीत करने के बाद भी हमें कई वर्षों तक इस आत्मा में भटकना पड़ता है, हम वापिस जन्म नहीं ले पाते, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा जन्म हो, और जन्म लेने के बाद फिर हम ईश्वर चिंतन करें, जन्म लेने के बाद फिर हम साधनाएं करें, फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करें, फिर हम गुरु चरणों में बैठें, हम फिर इस मृत्यु लोक के उन प्राणियों की सेवा करें, उनको सहयोग करें, उनकी सहायता करें। मगर ये तो तब हो सकता है जब आप जन्म लें, और यदि हम जन्म ही नहीं ले सकते तो फिर अध्यात्म चिंतन ये सब हमारे लिए तो एक दुराग्रह बन गया है। इसलिए कुछ विशिष्ट आत्माएं यदि इस जीवन में ही साधनाएं संपन्न कर लेती हैं तो उनको अपनी चेतना का पूरा ज्ञान रहता है, उनको ज्ञान रहता है कि मैं कहां था, किस रूप में था, मैंने जीवन की कौन सी साधनाएं संपन्न की थी, कहां जन्म लिया था, किस प्रकार से जन्म लिया था, और उसको उस साधना की वजह से यह भी चेतन्यता रहती है कि मुझे जल्दी से जन्म लेना है। उसको इस बात का भी भान रहता है कि मैं उच्च कोटि के गर्भ को ही चुनूं। अभी तक उन प्राणियों में, या मैं यूं कहूं कि मृत्यु लोक के जो नर और नारी हैं, जो पति पत्नी हैं, उनके पास ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वह उत्तम कुल के प्राणी को ही जन्म दे, या कोई विशिष्ट योनि को ही अपने गर्भ में प्रवेश होने दे। उनके पास कोई साधन नहीं है। उस समय जिस समय गर्भ खुला होता है, उसमें जो भी दुष्ट आत्मा या अच्छी आत्मा जो भी गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उस गर्भ को धारण करना उसकी मजबूरी हो जाती है। ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की न्यूनता है, ये हमारे जीवन की कमी है। इसलिए बहुत पेचीदा स्थिति है कि मृत्यु पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम जिस प्रकार के प्राणी को अपने गर्भ में धारण करना चाहते हैं, उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। जो भी दुष्ट या भली या जैसी आत्मा उसमें प्रवेश कर लेती है, उसी को अपने गर्भ में प्रवेश देना पड़ता है, उसी को पैदा करना पड़ता है, उसी को बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा होने के बाद वो उसी प्रकार से माँ बाप को गालियां देता है, समाज विरोधी कार्य करता है, और अपना नाम और माँ बाप का नाम कलंकित कर लेता है। यह तो एक इतना कष्ट सहन करने के बाद, इतना दुख देखने के बाद, गर्भ में 9 महीने धारण करने के बाद, उसको जन्म और जन्म देने के बाद, उसकी इतनी परवरिश करने के बाद, उसके बावजूद भी हमें यही दुख भोगना है, तो यह हमारे जीवन की विडंबना है, यह हमारे जीवन की कमी है, और इस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, विज्ञान इस प्रश्न को नहीं सुलझा रहा है, विज्ञान इस प्रश्न को सुलझा भी नहीं सकता। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, साधना का सहारा लेना पड़ेगा, आराधना का सहारा लेना पड़ेगा। यहां ये 3 प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। एक प्रश्न तो यह कि क्या हम जितने समय तक चाहे जीवित रह सकते हैं, और जीवित रहने का मतलब है स्वस्थ जीवित रह सकते हैं, जीवित रहने का तात्पर्य रोग रहित जीवित रह सकते हैं। यदि हम जीवित हैं और मरे हुए से हैं, बीमार हैं, अपंग है, लाचार है, खाट पर पड़े हुए हैं, दूसरों के आश्रित हैं, तो वह जीवन नहीं है, वह तो जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। जीवित होने का तात्पर्य स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, कायाकल्प से युक्त हो, बलवान हो, पौरुषवान हो, क्षमतावान हो। और इसका उत्तर मेरे पास यह है कि हम निश्चय ही जीवित रह सकते हैं, जितने समय तक चाहे जीवित रह सकते हैं।
50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल हम जीवित रह सकते हैं निश्चित रूप से और गारंटी के साथ जीवित रह सकते हैं स्वस्थ तंदुरुस्त पूर्ण चैतन्यता के साथ यौवन स्फूर्ति के साथ। मगर इसके लिए जो मृत्योर्मा अमृतम गमय साधना है या जो मृत्योर्माम साधना है उस साधना को संपन्न करने से शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन एक अंतर आ जाता है। एक जिस प्रकार से बैटरी जो चार्ज की हुई बैटरी है उसको अगर यूज करते हैं तो कुछ समय बाद वो बैटरी के अंदर जो पावर है वो समाप्त हो जाती है और जब समाप्त हो जाती है तो उसको वापस चार्ज करनी पड़ती है। चार्ज करने के बाद वो बैटरी वापस उसी प्रकार से उपयोगी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की शक्ति भी निरंतर क्षीण होती रहती है और क्षीण होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि वह बैटरी जो शरीर की बैटरी है समाप्त हो जाती है जिसको मृत्यु कहते हैं। मगर यदि हम उसको वापस चार्ज करने की क्षमता प्राप्त कर सके कोई ऐसा ज्ञान कोई ऐसी साधना हो जिससे हम उसको वापस चार्ज कर सके तो उतने साल 60-70 साल वापस जीवित रह सकती है। फिर बैटरी चार्ज कर ले फिर शरीर को चार्ज कर ले फिर अगले 60-70 साल 80 साल जीवित रह सकते हैं। और इस प्रकार से जितनी बार शरीर को हम वापिस कायाकल्प करते रहे चार्ज करते रहे उतने ही साल तक हम जीवित बने रह सकते हैं। और इसके लिए मृत्योर्मा साधना जीवन की श्रेष्ठ अद्भुत और उन्नत साधना है जिसको योगियों ने ऋषियों ने स्वीकार किया है। सिद्धाश्रम अपने आप में अद्वितीय दुर्लभ और महत्वपूर्ण स्थान है जो अध्यात्म जीवन का केंद्र बिंदु है और जहां से पूरे विश्व का अध्यात्म जीवन संचालित होता है। क्योंकि विश्व तभी तक जीवित है जहां तक भौतिक और आध्यात्मिकता का बराबर सुखद समन्वय है बैलेंस पे है। जो ये बैलेंस बिगड़ता है तो विश्व अपने आप में प्रलय की स्टेज पे चला जाता है प्रलय हो जाता है सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिस समय भौतिकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी चारों तरफ बम गिरेंगे प्रत्येक देश एक दूसरे पर आक्रमण करेगा एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम गिराएंगे और कोई भी देश बचेगा नहीं बम गिराने वाला भी और बम झेलने वाला भी और इसी को प्रलय कहते हैं। और यदि आध्यात्मिकता का भी बाहुल्य हो जाए और भौतिकता जीवन में रहे ही नहीं तब भी प्रलय हो जाएगा। इसलिए इन दोनों का समन्वय होना जरूरी है। मगर इस भौतिकता के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता झूठ के लिए हिंसा के लिए छल के लिए कपट के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वह तो एक सामान्य सी बात है मनुष्य की दुर्दर्श प्रवृत्तियां अपने आप में स्वतः जन्म लेती है। उनको बैलेंस करने के लिए सिद्धाश्रम अपने आप में कुछ विशिष्ट योगियों को कुछ विशिष्ट महात्माओं को इस मृत्युलोक में उन प्राणियों के बीच भेजता है। वे चाहे राम हो वे चाहे कृष्ण हो वे चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो चाहे शंकराचार्य हो चाहे ईसा मसीह हो चाहे सुकरात हो और वे अपने ज्ञान के संदेश के माध्यम से अपनी चेतना के संदेश के माध्यम से अपनी पवित्रता और दिव्यता के संदेश के माध्यम से उन लोगों में अध्यात्म चेतना पैदा करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की चेतना पैदा करने वालों को बहुत गाड़ियां मिलती हैं क्योंकि वे तो मदांत हैं वे तो अंधे हैं वे भौतिकता में ग्रस्त हैं उनको झूठ छल और कपट के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो जब इस प्रकार की बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये हमारे अधिकारों पर हनन है यह व्यक्ति हमारे पूरे जीवन की दिमाग पूंजी को समाप्त कर रहा है हमारे स्वार्थों पर चोट कर रहा है इसलिए उसका एक विरोध होता है उसको गालियां दी जाती है उसको कैद कर लिया जाता है उसको मार दिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। मगर इस समाप्त कर देने से ही समाप्त नहीं हो जाता देह तो टूट जाती है देह तो गिर जाती है मगर अंगुष्ठ मात्र के प्राण पुनः नई देह धारण करके उस सिद्धाश्रम में जन्म लेती है या सिद्धाश्रम में वापस संचरण करने लग जाती है। इसके लिए उसको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता ये तो उसी प्रकार से जैसे मैंने एक कुर्ता पहना और अगर कुर्ता घिस गया है या पुराना हो गया तो मैं उस कुर्ते को उतार दिया और दूसरा कुर्ता धारण कर लिया। इस कपड़े वस्त्र बदलने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। ठीक उसी प्रकार से अगर ये शरीर घिस जाता है शरीर कमजोर पड़ जाता है शरीर की नाड़ियां अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं तो इस शरीर को उस कुर्ते की तरह छोड़ देते हैं और दूसरा नया शरीर धारण कर लेते हैं। ऐसा कैसा शरीर ऐसी कैसी आंखें नाक कान हाथ पांव लंबाई चौड़ाई ज्यों की त्यों अपने आप में स्वतः प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से शरीर के ऊपर की चमड़ी किसी चोट की वजह से छिल जाए तो उसके नीचे अपने आप स्वतः दूसरी चमड़ी आ जाती है।
उसी प्रकार से यह देह गिरती है तो दूसरी देह स्वतः अपने आप में आ जाती है। यह तो साधना के बल पर संभव है और इसीलिए उस सिद्धाश्रम के योगियों की आयु 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 वर्षों की आयु प्राप्त योगी भी इस समय सिद्धाश्रम में विद्यमान है। कोई भी अपनी आंखों से उन सिद्धाश्रम के योगियों को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उनके पास बैठ सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनकी ज्ञान चेतना को अपने हृदय में उतार सकता है। और कोई भी व्यक्ति आज भी यदि चाहे तो राम के पास बैठ करके युद्ध कला के बारे में सीख सकता है, कृष्ण के पास बैठ करके गीता का संदेश सुन सकता है और शंकराचार्य के पास बैठ करके शंकर भाष्य को उनके मुंह से वापस सुन सकता है। यह तो कोई कठिन नहीं है, यह तो कोई असंभव नहीं है, यह तो आपको उस स्टेज पर पहुंचने की जरूरत है, आपकी क्षमता उस स्टेज पर पहुंचने की हो, आपके पास एक समर्थ योग्य गुरु हो। और समर्थ और योग्य गुरु का मतलब यह है कि उसको ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसी समर्थता प्राप्त हो और जो आपको ले जा सके अपने साथ सिद्धाश्रम में, दिखा सके सिद्धाश्रम के योगियों को, उनके पास बिठा सके, उनका खुद भी सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, वह खुद भी अपने आप में ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो और मान्यता युक्त हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु इस पृथ्वी पर है ही नहीं है। यह अलग बात है कि हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती, यह अलग बात है कि हमारी दुर्बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास रहते हुए भी आलोचना झूठ और छल में हम लिप्त रहते हैं, हम एक एक क्षण दूसरे कार्यों में व्यतीत कर देते हैं मगर उन गुरु को न पहचान पाते हैं न उनके पास बैठ करके उस आनंद को ले पाते हैं। हमें जो प्रश्न करने चाहिए वो तो प्रश्न करते ही नहीं, जो कुछ हमें सीखना चाहिए वो तो हम सीखते ही नहीं, जो कुछ हमें सेवा करनी चाहिए वो तो सेवा हम करते ही नहीं, जो कुछ सानिध्य में आनंद अनुभव करना चाहिए वो आनंद अनुभव नहीं कर पाते। ये हमारे जीवन की विनम्रता है, ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारी दुर्बुद्धि है, ये हमारा दुर्भाग्य है। युग में और प्रत्येक परिस्थिति में सिद्धाश्रम के इस प्रकार के योगी अलग अलग नामों में अलग अलग रूपों में इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं, विचरण किए हैं, आम लोगों की तरह रहे हैं, उनमें कुछ विशिष्टता रखी नहीं। इसलिए विशिष्टता नहीं रखी कि आम आदमी को समझा सकता है, समाज का एक भाग बनकर के समाज के लोगों को अपनी ज्ञान चेतना दे सकता है। ईसा मसीह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति बनकर के अपने उन अनुयायियों को लोगों को ज्ञान दे सके, चेतना दे सके। कृष्ण एक सामान्य मानव बनकर के और सारथी बनकर के अर्जुन को और दूसरे लोगों को शिक्षा दे सके, भीष्म पितामह पहचान सके, वो पहचान सके कि ये अपने आप में एक अद्वितीय युग पुरुष हैं, पर आम आदमी तो उनको नहीं पहचान सका। गीता जैसा उच्च कोटि का ज्ञान चिंतन ग्रंथ देने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मतलब किसने पहचाना, कितने लोगों ने पहचाना, नहीं पहचाना वो अपने आप में एक मौका चूक गए, और जिन्होंने पहचाना वो अपने आप में अद्वितीय बन गए। और उसके बाद फिर सिद्धाश्रम से बुद्ध आए, फिर महावीर आए, फिर शंकराचार्य आए, जीवन के इस प्रकार के महापुरुष तो इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते ही रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी में इस प्रकार के युग पुरुष विद्यमान हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में इन युग पुरुषों के साथ हमें कुछ दिन रहने का मौका मिला है। यह हमारा और हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम उनसे परिचित हैं, और यह भी सौभाग्य है कि हम उनके पास रह सकते हैं। मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम चाहते हुए भी उनके पास नहीं बैठ पाते, क्योंकि चारों तरफ की व्यवस्थाएं, मजबूरियां, परेशानियां, बाधाएं, अड़चनों से हम इतने अधिक घिर जाते हैं कि उनको प्राथमिकता दे देते हैं, उन सारे बंधनों को, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को तोड़ करके उस जगह पहुंचने की क्षमता नहीं रख पाते। ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की दुर्दशा है। और जब तक ये न्यूनता रहेगी तब तक फिर एक जीवन चूक जाओगे, फिर तुम पछताने लगोगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, फिर तुम एहसास करोगे कि वास्तव में ये सुनहरा मौका था, एक अद्वितीय अवसर था और हम चूक गए। इसलिए जो मैं स्पष्ट कर रहा था वो बात यह कि उस मर्त्योन्मा साधना के माध्यम से आज भी हजारों हजारों योगी सन्यासी कई कई वर्षों की आयु प्राप्त बैठे हैं,
और हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। उन 500 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, उन 1000 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, और 500 साल की आयु प्राप्त करने के बावजूद भी उनके शरीर में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा लगता है कि 50-55 साल के व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि अभी तो इनका यौवन बरकरार है, इनमें ताकत है, इनमें क्षमता है, इनमें पौरुषता है, इनमें पूर्णता है, और यह सब कुछ मृत्यु और मां साधना के माध्यम से ही संभव है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि मृत्यु और मां साधना के माध्यम से हम मनोवांछित आयु प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान और जाना चाहिए कि हम में यह क्षमता हो कि हम श्रेष्ठ गर्भ को धारण कर सके। एक माँ 3, 4, 5, 6 पुत्रों को, बालकों को जन्म दे सकती है, और यदि उनमें से भी दुष्ट और दुर्बुद्धि आत्मा वाले जन्म लेते हैं तो एक माँ बाप को बहुत दुख और वेदना होती है कि उन्होंने जितना कष्ट, जितना दुख उठाया, उसके बावजूद भी जो कुछ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। इसी अपेक्षा आप कल्पना करें कि एक ही बालक उत्पन्न हो मगर वो अद्वितीय हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धस्थ हो, पूर्ण हो, महान हो, चाहे अणुविज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, विश्वविख्यात हो, अद्वितीय हो, श्रेष्ठतम हो, ऐसा बालक जन्म दे, यह तो प्रत्येक माँ बाप कल्पना करता है। प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि एक ही उत्पन्न हो मगर सूर्य के समान उत्पन्न हो, एक ही उत्पन्न हो मगर चंद्रमा के समान तेजस्वी हो, 1000-1000 ताराओं को जन्म देने से भी उतना अंधियारा नहीं छन सकेगा जितना एक चंद्रमा को जन्म देने से उन अंधियारे को हम दूर कर सकेंगे। मगर जैसा मैंने बताया कि यह तो आपके बस की बात नहीं है, आप तो गर्भ को खोल सकते हैं। गर्भ में कौन सी दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगी या अच्छी आत्मा प्रवेश कर जाएगी आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, बाहर है या आपकी विडंबना है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन आत्माओं में भी होड़ मची रहती है, एक दूसरे को धकियाते हुए, एक दूसरे को ठेलते हुए आगे बढ़ते हुए, जो ताकतवान है, जो क्षमतावान है, जो दुष्ट है, वे आगे बढ़ करके और दूसरों को पीछे धकेल करके उस समय खुले हुए गर्भ में जन्म ले लेते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो विद्वान हैं, जो सरल, जो निष्प्रह हैं, वे पीछे खड़े रहते हैं और टुकड़ टुकड़ ताकते रहते हैं कि कभी हमारा अवसर आए और हम भी किसी गर्भ को चुने। इसलिए माँ बाप के पास में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसकी वजह से श्रेष्ठ बालक या श्रेष्ठ आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे सके। मर्ज के लिए भी एक साधना है, एक अद्वितीय साधना है जिसको गमय साधना कहा गया है, जिसको पूर्णत्व साधना कहा गया है। और इस गमय साधना के माध्यम से यदि मां गर्भ धारण करने से पूर्व इस गमय साधना को पूर्णता के साथ संपन्न कर लेती है तो उसके गर्भ में एक विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। और वह विशिष्टता प्राप्त यह होती है कि दुष्ट आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर ही नहीं पाती। वह उच्च कोटि के आत्मा को अपने गर्भ में निमंत्रण देती है और वह चाहे कितना ही ढेलम ढेल हो, कितना ही एक दूसरे को दुखियाते हो, मगर जो ही एक शुद्ध और पवित्र आत्मा पास में से गुजरती है, गर्भ खुल जाता है और उच्च कोटि की आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से उस माँ बाप के हाथ में ये होता है कि श्रेष्ठ एक आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे। और श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में जब प्रवेश करती है तो माँ के चेहरे पर एक अपूर्व आभा और तेजस्विता आ जाती है, एक रुनाई आ जाती है, एक एहसास होने लग जाता है कि वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में जन्म लिया है, वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में प्रवेश किया है। चेहरे पर एक तेजस्विता आ जाती है, उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठता है और उसको 9 महीने किस प्रकार से व्यतीत होते हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और वह जो जन्म देती है तो उसी श्रेष्ठ आत्मा को जन्म देती है जो कि आगे चल करके अपने क्षेत्र में अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकता है और अपने क्षेत्र में उच्च कोटि व्यक्तित्व बन करके माँ बाप के नाम को रोशन कर सकता है। वह माँ हजारों हजारों वर्षों तक धन्य हो जाती है, आने वाली पीढ़ियां उसकी कृतज्ञ हो जाती है,
वे माँ बाप अपने आप में एक सौभाग्य अनुभव करने लग जाते हैं यदि इस गमय साधना को संपन्न करके इस प्रकार का गर्भ प्राप्त करें। और यह साधना अपने आप में कोई पेचीदा नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आवश्यकता है कि हमें इस साधना को संपन्न करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस साधना को संपन्न करने वाला कोई गुरु आपके बीच में हो। आवश्यक यह है कि वह पति और पत्नी इस बात का निश्चय करें कि हमें गुरु के पास जाकर के इस साधना को संपन्न करना ही है और उसके बाद ही गर्भधारण करना है। और गुरु उस गमय साधना को संपन्न करवाता है तो यह भी बता देता है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद किस तारीख को कितने बजे के कितने मिनट पर समागम करने से उच्च कोटि की आत्मा का प्रवेश तुम्हारे गर्भ में हो सकेगा। ठीक उस समय तुम्हारा गर्भ खुला होना चाहिए, ठीक उसी समय उस आत्मा का प्रवेश होगा। गमय साधना का तात्पर्य अर्थ ही यही है और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचार चिंतन है। वासुदेव देव की को जब नारद मिले तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे गर्भ से अपने आप में एक उच्च कोटि का बालक जन्म दे। तो नारद ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें गमय साधना संपन्न करनी है, चाहे तुम जेल में ही हो। इस साधना को संपन्न करके इस मिति को इतने बजकर इतने मिनट पर तुम्हें समागम करना है, गर्भ खोलना है और तुम्हें उच्च कोटि का एक महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। और जब जन्म लेगा तो अपने आप स्वप्न में तुम्हें स्पष्ट हो सकेगा कि कौन जन्म ले रहा है। वह स्वयं तुम्हें इस बात का संकेत दे देगा। तुम्हारे चेहरे पर एक आभा आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, तुम्हारे सारे शरीर में एक अपूर्व तेजस्विता की किरणें प्रवाहित होने लगेंगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। यदि उस समय गमय साधना जीवित थी तो गमय साधना आज भी जीवित है। आपसे दस बात की है कि हम उस गमय साधना को समझें। आपसे दस बात की है किस प्रकार की साधना पर विश्वास करें। आपसे दस बात की है कि ऐसा हमें गुरु मिले जिसको इस साधना का पूर्ण ज्ञान हो, वह चाहे हरिद्वार पर हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे कांची में हो, और हम उस गुरु के सानिध्य में जाएं, अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो गमय साधना संपन्न करावे। और पूर्ण गमय साधना संपन्न होने के बाद वे उन क्षणों को स्पष्ट करें, दो या चार या छह क्षणों को, कि उन क्षणों में समागम करने से, गर्भ खोलने से इस प्रकार का उच्च महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। इसलिए जीवन की यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि हमें उच्च कोटि के बालकों को जन्म देना है, यदि इस पृथ्वी को बचाना है, यदि इसमें असत्य पर सत्य की विजय देनी है, यदि अधर्म पर धर्म को स्थान देना है, यदि इस पूरे पृथ्वी को सुंदर, आकर्षक और मनमोहक बनाना है, ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और ज्यादा संपन्न करना है, तो यह जरूरी है। और ऐसा होने से उन बालकों का जन्म हो सकेगा जो कि वास्तव में अद्वितीय है। हम कल्पना करें कि एक समय ऐसा था जब वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम सैकड़ों सैकड़ों ऋषि जन्म लिए हुए थे। चेतना और ज्ञान दे सकते हैं कि वे इस प्रकार के योग्यतम बालक को जन्म लें, ऐसा संभव हो सकता है। और मैंने तीसरा प्रश्न आपके सामने रखा था कि
हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करना था कार्य किया और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। सैकड़ों हजारों लोग नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं और व्यक्ति उठ करके चिता पर लेटता है और समाप्त हो जाता है। मगर मृत्यु से परे, मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व, उनके प्राणों का अस्तित्व तो विद्यमान रहता ही है। जैसा कि मैंने बताया कि अंगुष्ठ के आकार की जीवात्मा इस पितृलोक में बराबर विचरण करती रहती है और उन लाखों करोड़ों आत्माओं में तुम्हारी भी एक आत्मा होती है। उन लाखों करोड़ों की भीड़ में तुम भी एक गुमनाम सा एक आत्मा लिए हुए खड़े रहते हो, कोशिश करते हो कि कोई गर्भ मिले और जन्म ले। मगर आप सरल हैं, आप सीधे हैं, आप बड़े हैं, आपने जीवन को एक शुद्धता के साथ व्यतीत किया है, आप में छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, दुष्टात्मा नहीं है, इसलिए आप वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं कर सकते, धक्के नहीं मार सकते, जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम श्रेष्ठ गर्भ में जन्म ले सके। यहां मैंने श्रेष्ठ गर्भ का एक प्रयोग किया। श्रेष्ठ गर्भ तो बहुत कम होते हैं, दुष्ट गर्भ तो बहुत है, हजारों हैं। जो झूठ बोलने वाले पिता हैं, कपट करने वाले पिता हैं, दुष्ट आत्मा माता हैं, व्यभिचारिणी माता हैं, जिनका जीवन अपने आप में दुष्टता के साथ व्यतीत होता है, ऐसे गर्भ तो हजारों करोड़ों हैं। मगर जो सदाचारी हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, दिव्य हैं, देवताओं का पूजन करने वाले हैं, जो आध्यात्मिक चिंतन में रत रहने वाले हैं, ऐसे स्त्री पुरुष तो बहुत कम है पृथ्वी पर, गिने चुने हैं। बहुत कम है जो पति और पत्नी दोनों ही साधना में और आत्मा में व्यतीत करते हो। ऐसे पति पत्नी बहुत कम है जो नित्य भगवत चर्चा में अपने जीवन को व्यतीत करते हो, जो झूठ और सत्य से, झूठ और कपट से परे रहते हो, जिनका जीवन अपने आप में सात्विक हो, जो अपने आप में देवात्मा हो, जो अपने आप में पवित्र हो, दिव्य हो, ऐसे स्त्री और पुरुष श्रेष्ठ युगल कहे जाते हैं। और यदि ऐसे पुरुष और स्त्री के गर्भ में हम जन्म लें तो अपने आप में हम मान्यता होती है, विदिता होती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि देवकी के अलावा और किसी गर्भ में कृष्ण जन्म ले सकते थे? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि कौशल्या के अलावा और किसी मां में इतनी ताकत और क्षमता थी कि राम को अपने गर्भ में जन्म दे सके? नहीं। इसके लिए पवित्रता, दिव्यता, श्रेष्ठता, उच्चता जरूरी है। मगर प्रश्न यह उठता है कि हम मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या हमारी चेतना बनी रह सकती है, और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद क्या कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसी विशिष्टता है कि हम श्रेष्ठ गर्भ का चुनाव कर सकें? वह चाहे किसी शहर में हो, वह चाहे किसी प्रांत में हो, वह चाहे किसी राष्ट्र में हो, जहां जिस राष्ट्र में चाहे, भारतवर्ष में चाहे, जिस शहर में चाहे, जिस स्त्री पुरुष के गर्भ से जन्म लेना चाहे, हम जन्म ले सकें, क्या कोई ऐसी स्थिति है? यह प्रश्न हमारे सामने बिल्कुल दो टूक शब्दों में स्पष्ट खड़ा रहता है। और इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम मृत्यु को प्राप्त होने के बाद हम विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। यह कोई स्पष्ट नहीं है कि हम 2 साल बाद, 10 साल बाद, या 15 साल बाद, या 50 साल बाद उस पितृलोक में भटकते हुए कहीं जन्म ले लें। हो सकता है हम किसी गरीब घराने में जन्म ले लें, कसाई के घर में जन्म ले लें, हम किसी दुष्ट आत्मा के घर में जन्म ले लें, हम किसी के विचार के घर में जन्म ले लें, और हम किसी ऐसी मां के घर में जन्म ले कि भ्रूण हत्या हो जाए, गर्भपात हो जाए, हम पूरा जन्म ही नहीं ले सके। आप कल्पना करें कि कितनी व्यवस्था हो जाएगी हमारे जीवन की, और हम इस जीवन में ही उस स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं कि हम मृत्यु के बाद भी उस प्राणी लोक में, जहां करोड़ों प्राणी हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, उन आत्माओं में भी हम खड़े हो सके और हमें इस बात का ज्ञान हो सके कि हम कौन थे, कहां थे, किस प्रकार की साधनाएं संपन्न की और क्या करना है, और इसके साथ ही साथ इतनी ताकत, इतनी क्षमता, इतनी तेजस्विता आ सके कि सही गर्भ का चुनाव कर सके, और फिर इतनी स्थिति बन सके कि तुरंत हम
उस श्रेष्ठ गर्भ में प्रवेश कर सके और जन्म ले सके, चाहे कितनी भीड़ हो, चाहे दुष्ट आत्माएं हमारे बीच में कितनी हो, हम उनके बीच में से रास्ता निकाल करके उस श्रेष्ठ गर्भ का चयन कर सके और जो ही गर्भ खुले हम उसमें प्रवेश कर सके। इसको अमृत साधना कहा गया है और यह अपने आप में एक अद्वितीय साधना है, यह अपने आप में विशिष्ट साधना है। इसका मतलब है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद हमारा यह जीवन हमारे नियंत्रण में रहता है। मृत्यु के बाद हम प्राणी बनकर के भी या जीवात्मा बनकर के भी उस पर हमारा नियंत्रण रहता है और उस जीवात्मा के बाद गर्भ में जन्म लेते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, तब भी हमारा नियंत्रण बना रहता है। यह पूरा एक सर्कल बन जाता है कि हम हैं, हम बढ़े, मृत्यु को प्राप्त हुए, जीवात्मा बने, फिर गर्भ में प्रवेश किया, गर्भ में प्रवेश करने के बाद जन्म लिया और जन्म लेने के बाद खड़े हुए। ये पूरी एक स्टेज, पूरी एक वृत्त बनता है, पूरा वृत्त का में भान रहता है। और कई लोगों को ऐसा वृत्त का भान रहता है, उनको ज्ञात रहता है कि पिछले जीवन में हम कहां थे, किस प्रकार से जन्म लिया। ऐसे कई अलौकिक घटनाएं समाज में फैलती हैं जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, मगर कुछ समय तक रहता है। प्रश्न तो यह है कि हम ऐसी साधना को संपन्न करें जो कि हमारे इस जीवन के लिए भी उपयोगी हो और जीवन के बाद अगर प्राणात्मा हमारी इस वायुमंडल में विचरण करती रहती है तो प्राणात्मा पर भी हमारा नियंत्रण बना रहे, साधना के माध्यम से वो डोर टूटे नहीं, डोर अपने आप जुड़ी रहे और जल्दी से जल्दी उच्च कोटि के गर्भ में हम प्रवेश कर सकें। ऐसा नहीं है उसको प्रवेश करने के लिए हम 50 वर्ष प्रतीक्षा करें, 500 साल प्रतीक्षा करें। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जन्म लें, हम चाहते हैं कि इस जीवन की जो साधना की है वो हमें स्मरण रहे और जितना हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके आगे का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान का तो एक अथाह सागर है, एक अनंत है, अनंत पथ है। इस जीवन में हम पूर्ण साधनाएं संपन्न नहीं कर सके तो अगले जीवन में जहां हमने छोड़ा है उसके आगे बढ़ सके, क्योंकि ये जो इस जीवन का जो ज्ञान है वह उस जीवन में स्मरण रहता है। यदि वह प्राणात्मा और जीवात्मा पर हमारा नियंत्रण होता है, गर्भ पर हमारा नियंत्रण होता है, गर्भ में जन्म लेना हमारा नियंत्रण होता है और जन्म लेने के बाद गर्भ से बाहर आने की क्रिया का हमें नियंत्रण रहता है। इसलिए इस अमृत साधना का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अमृत साधना के माध्यम से हम जीवन को छोड़ नहीं पाते, हमारे जीवन पर पूरा अधिकार रहता है, हम जिस प्रकार स्थिति चाहें उस प्रकार स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को अपने जीवन काल में जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, अपने गुरु के पास जाना चाहिए। मैं गुरु शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जिसको इस साधना का ज्ञान होगा, गुरु हो सकता है, ऐसा गुरु आपका भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पुत्र हो सकता है, यदि उनको इस प्रकार का ज्ञान है और ये नहीं ज्ञान है तो जिस गुरु को इस प्रकार का ज्ञान है हम उसके पास जाएं, उनके चरणों में बैठें, विनम्रता से निवेदन करें कि हम उस अमृत साधना को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस जीवन को तो हम अपने नियंत्रण में रखें ही, इसके बाद हम जब जन्म लें तो उस प्राणात्मा पर और जीवात्मा पर भी हमारा नियंत्रण बना रह सके और हम जल्दी से जल्दी गर्भ को चुने, श्रेष्ठतम गर्भ को चुने, अद्वितीय उच्च कोटि की मां को चुने, उस परिवार को चुने जहां हम जन्म लेना चाहते हैं और उस गर्भ में हम जन्म लेकर के एक उच्च कोटि के बालक बन सके। क्योंकि इस साधना से उच्च कोटि के मां बाप का चयन कर सकते हैं और यदि हम चाहें कि अमुक मां बाप के गर्भ से ही जन्म लेना है तब भी ऐसा हो सकता है। यदि हम चाहें कि इस शहर के उस माँ बाप के यहाँ जन्म लेना है और यदि वे गर्भ धारण करने की क्षमता रखते हैं तो वापस उसमें प्रवेश करके जन्म ले सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण बने कि जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया और किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उसी माँ के गर्भ से वापस भी जन्म लेने की स्थिति बन सकती है। खैर ये तो आगे की स्थिति है, इस समय स्थिति तो यह है कि हम इस अमृत साधना के माध्यम से अपने वर्तमान जीवन को अपने नियंत्रण में रखें, इस मृत्यु के बाद जीवात्मा स्थिति पर नियंत्रण रखें
हम जो गर्भ चाहें श्रेष्ठतम गर्भ में प्रवेश करें, पूर्णता के साथ प्रवेश करते हुए, पूर्ण गर्भ धारण करते हुए हम जन्म लें, और जन्म लेने के बाद भी इस जीवन का पूर्व स्मरण हमें पूर्ण तरह से रहे, जिससे कि इस जीवन में जितनी साधनाएं की हैं उस साधनाओं को आगे बढ़ा सके, इस जीवन में जिस गुरु के संपर्क में रहे हैं उस गुरु के चरणों में वापस जल्दी जल्दी जा सके, आगे की साधना संपन्न कर सके। यह चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे साधक हो, चाहे साधिका हो, प्रत्येक के जीवन की यह मान्यता है कि वो साधना को संपन्न कर सकता है। मैंने अपने इस प्रवचन में तीन साधना को उल्लेख किया, मृत्युर्मा साधना, अमृत साधना और गमय साधना, और इन तीनों साधनाओं को मिला करके मृत्युर्मा अमृतम गमय शब्द विभूषित किया गया है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में और जिस उपनिषद में इस बात की चर्चा है वह केवल एक पंक्ति नहीं है, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर चले जाए, हम किस प्रकार से जाए, किस तरकीब से जाए, इसलिए इसके तीनों साधनाओं के नामकरण इसमें दिए, इसको स्पष्ट किया कि तीनों साधनाओं को सामंजस्य करना, तीनों साधनाओं को समझना हमारे जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, और हम अपने जीवन काल में ही इन तीनों ही साधनाओं को संपन्न करें, ये हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, और जितना जल्दी हो सके इस साधनाओं को संपन्न करें, जितना जल्दी हो सके अपने गुरु के चरणों में बैठें, जितना जल्दी हो सके उनके चरणों में अपने आप को निवेदित करें, अपनी बात को कहें, उनको स्पष्ट करें कि हम क्या चाहते हैं, और वह जो समय दे, वह जो परीक्षा ले हम परीक्षा दें, वह जिस प्रकार से हमारा उपयोग करना चाहे हम उपयोग होने दें, मगर उनके चरणों में लिपटे रहें, क्योंकि हमें उनसे प्राप्त करना है अद्भुत ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान। बहुत कुछ खोने के बाद बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, यदि आप कुछ खोना नहीं चाहें और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहें ऐसा जीवन में संभव नहीं हो सकता, अपने जीवन को दांव पे लगा करके प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप जीवन को बचा रहे हैं, जीवन को बचाते रहे और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहें तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस उपनिषद कार में इस मृत्युर्मा अमृतम गमय से संबंधित कुछ विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग किया, यद्यपि इसकी साधना पद्धति अपने आप में एक सरल है, सही है, कोई भी स्त्री और पुरुष इस साधना को संपन्न कर सकता है, यद्यपि इस साधना के लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु के चरणों में पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी पेचीदगी गुरु के द्वारा ही समझी जा सकती है, उनके साथ उनके द्वारा ही उन मंत्रों को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मैं उन मंत्रों का आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं जो मृत्युर्मा अमृतम और गमय तीनों साधनाओं से संबंधित है। जब नित्य इन मंत्रों को हम एक बार श्रवण करते हैं तब भी हमारे जीवन की चैतन्यता बनती है, तब भी हम जीवन में उत्थान की ओर अग्रसर होते हैं, तब भी हम ऊंचाई की ओर अग्रसर होते हैं, तब भी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साहस और सक्षमता प्राप्त कर पाते हैं, और तब भी हम उस मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, जब मृत्यु हम पर झपट्टा नहीं मार सकती, जब मृत्यु पर हमको दबोच नहीं सकती, जब मृत्यु में मार नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती, और हम जितना वर्ष चाहे, जितने युग चाहे जीवित रह सकते हैं। मैं उन मंत्रों का आपके सामने उच्चारण करता हूँ, जिन मंत्रों को बार बार आपको नित्य सुनना ही चाहिए, एक बार, पांच बार, ग्यारह बार, 21 बार, 101 बार, जितना आपको समय मिले, मगर नित्य इसको श्रवण करने से ही अपने आप में सफलता मिल जाती है। ओम परा परोवतम वै सदा साचैतन्यो प्रारम्भमथमै पूर्वाः सदौ वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवो साचैतन्यतां प्रवै स पूर्वाः क्रियो क्रियमाणायदां सैर्गं युतभौ सदैवं सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यत्वां सः प्रियै स कूर्वाः प्रियौ कूर्वतं परं पूर्वदमदं स गमयः गमय तैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत् वै सः जीववदां वदं स प्रियै सचैतन्यतां स पूर्वै।
सह प्रियै स पूर्वदां सदा सदै सा क्रियैं स पूर्वस्तै तन्नियतां सह सतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदाः पूरो सतं सह मृत्योर्माम् अमृतां पूर्वत अमृतां अमृतं स चैतन्यतां गमयतेन गमय पूर्वाः सदो मां मृतौ मृत्योर्मां मृत्योर्मैव त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतौ मृतं मृतं मृत्योर्भ अमृतं सप्रतां मृत्योर्माम् अमृतं गमय त्वां सदा ह स क्रियै गमय मृत्योर्मां सा गमय गमयतौ स अमृत्योर्वै पूर्वदा स चिन्तयन्त्वां सह क्रियै स पूर्वा सतौ सदा स चिन्तयां पूर्वदा सतौ स क्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो इय प्राण त्वां जीवो इय जीव त्वां सदैव स दीर्घो य त्वां सहो सदां पूर्वदां मद ओम पूर्णदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्ण 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 हरि ओम। इस भजन में मैंने आपको उन दुर्लभ मंत्रों को स्पष्ट किया जो अपने आप में गोपनीय रहे हैं। इन मंत्रों का प्रयोग किसी पुस्तक में या वेदों में तुम्हें नहीं मिल पाएगा, किस शास्त्र में और किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं मिल पाएगा। ये मंत्र तो अपने आप में चैतन्य मंत्र हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित मंत्र हैं, अपने आप में पूर्णत्व मंत्र हैं और विशिष्ट योगियों और गुरुओं को ही प्राप्त है। इन मंत्रों का नित्य श्रवण करने से ही ये नित्य जो मैंने मंत्र उच्चारण किया, यदि 11 बार इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तब भी उसका जीवन पवित्र और दिव्य बनता ही है। वह मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर होता ही है। वृद्धावस्था उस पर व्याप्त नहीं होती, मृत्यु उस पर झपट्टा नहीं मार सकती, अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती। और जो मृत्यु के निकट है उसको यदि यह सुनाया जाए तो उसकी जीवात्मा को इस जीवन का पूर्ण ज्ञान रहता है और उसको सुविधा रहती है कि वह आगे सही गर्भ का चुनाव कर सके। इसलिए इस मंत्र का अपने आप में विशिष्ट प्रयोग है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि यदि हमें नवीन विश्व नवीन सृष्टि की रचना करनी है, नवीन युग मानव बनाना है, नवीन मानव को जन्म देना है तो फिर हमें मृत्योर्मा साधना संपन्न करनी पड़ेगी, अमृतम साधना संपन्न करनी पड़ेगी, गमय साधना संपन्न करनी पड़ेगी। और ये आप लोगों का सौभाग्य होगा कि आप जीवन में ऐसा निश्चय करें, ये आप लोगों का सौभाग्य होगा कि आप निश्चय करके अपने गुरु तक पहुंचे, आप में चेतन्यता पैदा हो, आप में यह भावना पैदा हो कि हमें इस साधना को संपन्न करना ही है। और ये आपका सौभाग्य होगा कि गुरु इस बात को स्वीकार करें कि आपको ये साधना दे या इस साधना को संपन्न कराए, और इस साधना को संपन्न करके आप अपने इस जीवन को भी और आप आगे के जीवन को भी अपने आप में पूर्णता दे सकें, जीवन की पवित्रता और चेतना को प्राप्त कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि जो हम निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जो हम निरंतर शमशान की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा प्रतिपल प्रतिक्षण इस बात से आशंकित है कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, उस मृत्यु के भय से हम मुक्त हो सकें, उस अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकें और जीवन में पूर्ण देहत्व चेतनत्व प्राप्त कर सकें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन पवित्र दिव्य और चेतनयुक्त हो। Thank you.
जब कुछ ऐसा प्राप्त कर लेने
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।